हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स ऑडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज के इस लेक्चर में 22 जुलाई और 23 जुलाई दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है रानी की वाव को लेके। रानी की वाव को लेके कंटेक्स्ट क्या है पहले वो हम देखते हैं। देखो, आरबीआई ने एक नए 100 रुपीज का नोट है वो अभी जारी है किया है, तो उस नोट के ऊपर एक्चुअली बैक पीछे की साइड है वो यहाँ पे रानी की वाव की फोटो है या रानी की वाव का जो पिक्चर है वो वहाँ पे पब्लिश है, वो की गई है। तो हमारे लिए रानी की वाव थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो जानते हैं। देखो, बेसिकली हम इसकी बात करें तो यह गुजरात के अंदर है, पाटन के अंदर। गुजरात में एक जगह है पाटन, वहाँ पे बेसिकली रानी की वाव है वो लोकेटेड है। आपको दिखा दूँ इसके डिज़ाइन कुछ ऐसे, जैसे बावड़ी नहीं होते इसे, वो बावड़ी ही है, बस ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, गुजरात में पाटन में। तो इस तरीके से बावड़ी बनी हुई है गुजरात के अंदर पाटन में, बेसिकली यह है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं इसको। देखो, एक तो ये 900 साल पुरानी है, लगभग बात की जाती तो 11th सेंचुरी में इसको बेसिकली बनाया गया था। और अहम बात करें इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो यह है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड है वो किया गया, तो ये फीचर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात और हो जाती है इसकी, वो हो जाती है कि इसे क्लीनेस्ट आयोनिक प्लेस इन इंडिया के में भी 2016 के तहत दर्जा दिया गया था। मतलब 2016 में क्लीनेस्ट आयोनिक प्लेस था इंडिया में, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। बात करें तो सरस्वती रिवर है उसके किनारे पे बनी हुई है रानी की बाव, तो ये हम रानी की बाव, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब बनाई किसने थी वो भी हम देख लेते हैं। यह एक्चुअली सोलंकी जो डायनेसिटी थी या सोलंकी जो रूलर थे उनके द्वारा बेसिकली इसका निर्माण है वो किया गया था। देखो, सोलंकी शासक का नाम सुना होगा आपने जो आर्ट एंड कल्चर में जो हम पढ़ते हैं, तो भीमादेव फर्स्ट का। तो भीमादेव फर्स्ट की जो क्वीन थी एक्चुअली उदयंती, इनके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई 900 साल पुरानी आर्किटेक्चर है, 11th सेंचुरी में बनाई गई थी, बेसिकली किसके द्वारा बनाई गई थी, सोलंकी डायनेसिटी, आपको याद रखना है, बस इतना ही बहुत है, ये एक इम्पोर्टेंट। अब बात करें आर्किटेक्चर की डिज़ाइन कैसी है, तो ये है मारू गुजरा आर्किटेक्चर की स्टाइल है, मतलब मारू गुजरा आर्किटेक्चर स्टाइल है। इसके साथ ही बात करें इसकी थीम है तो वह दशावतार, यहाँ दशावतार थीम है जिसके अंदर बुद्ध और विष्णु को भी यहाँ पे इंक्लूड है वो क्या गया है। तो बस आपको ये फैक्ट ध्यान रख लेना कि महात्मा बुद्ध हैं, उनका अवतार भी यहाँ पे इस थीम में या इस बावड़ी में मेंशन किया गया है। इसके साथ बात करें विष्णु भगवान की, तो उनके अवतार भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। दशा अवतार इसकी बेसिकली थीम है, मतलब 10 अवतार यहाँ पे शो हैं वो किए गए हैं एक करके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर। यूपीएससी की बार से बेसिकली क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2016 में से आयोनिक प्लेस का दर्जा दिया गया था इंडिया में क्लीनेस्ट की बात करें। और अहम बात है सरस्वती रिवर के किनारे पे। देखो, ऐसे फैक्ट्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट और उनको ध्यान में रखते हुए चलना है, तभी हमें एग्जाम में मार्क्स वगैरह में जो भी इशूज हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है इसराइल को लेकर। देखो, इसराइल ने भी एक नया लॉ पास किया है उसको लेके भी न्यूज़ है वो आई है, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए एज ए वर्ल्ड हिस्ट्री के तौर पे, कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं सोचिए आप बोलते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे, क्योंकि इंडिया और इसराइल के बीच के रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं कि भी नया लॉ क्या बना है वहाँ पे और क्या इसका इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है। देखो, इसराइल है वो आपको पता है कि मैक्सिमम वहाँ पे जूज लोग हैं वो रहते हैं, जिनको यहूदी कहते हैं, यहूदी नेशन है बेसिकली। तो अभी क्या हुआ, जो इसराइल ने नया लॉ पास किया है उसमें क्या है कि यहूदी नेशंस को परमिशन दे दी गई है। पहले इसराइल में मैक्सिमम लोग यहूदी रहते थे, बाकी नेशन नहीं बनाया गया था, बट अभी उन्होंने नए लॉ के तहत क्या किया कि भाई इसराइल है वो एक जूज कंट्री है, जिस तरीके से पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, वही बात है कि वहाँ पे मैक्सिमम क्या है जूज, तो उन्होंने जूज कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो एक यहूदी कंट्री है। तो ऑब्वियसली जो यहूदी लोग हो या यहूदी लोग हो गए या फिर जो जूज लोग हो गए इनको ही वो सपोर्ट ज़्यादा करने वाली है। तो इससे ये आरोप लग रहा है कि भैया जो इसराइल है ना वो अब जो अरबी कंट्री के जो मुस्लिम वगैरह ना इनको कहीं ना कहीं एक साथ उनके साथ भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन है वो करेंगे, इस बात का भी थोड़ा इशू है वो उठ रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही बात करें वहाँ की जो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है वह है हेब्रू, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो होगी यहाँ पे हेब्रू। और देखो, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बस वो एक फ्रेमवर्क वगैरह उन्होंने अपना बना रखा है, उसके आधार पर उन्होंने एक नया लॉ है वो बनाया। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसराइल है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट उसके फिर उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मतलब संविधान वगैरह ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, बस वो अपना एक्ट वगैरह नया कानून है वो बनाया है उन्होंने। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। और अहम बात करें तो इसराइल की यहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने काफ़ी बार बेसिकली इसराइल की लोकेशन वो डिस्कस कर ली है, तो हमें ऑलमोस्ट वहाँ का पता है। बाकी भी देखो, बार बार आप मैप में एक बार फिर निहाल लीजिएगा ताकि जो भी कुछ इश्यूज वगैरह हो वो आपको क्लियर है वो हो जाए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च को लेके। कंटेक्स्ट ये है
कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च का नाम बदल के चेंज कर दिया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये आपको अभी ध्यान रखना है। देखो यूपीएससी के बार बॉडी का नाम चेंज हो जाता हो या फिर किसी मिनिस्ट्री की एक्सचेंज होकर नाम चेंज हो रहा हो उस कंडीशन में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा हाईलाइट रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम बात करें यहाँ पे कि भाई इसका काम क्या है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च का काम क्या है NCAOR के द्वारा। देखो जो NCAOR है ना, इसे 1998 में बनाया गया था। बेसिकली इसका नाम ही काम ये था कि भाई अंटार्कटिक है, जो अंटार्कटिक का महाद्वीप है, वहाँ की स्टडी वगैरह किया जा सके। क्योंकि देखो अंटार्कटिक है, वहाँ पे स्टडी बहुत अहम हो जाती है, वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी सारे मिशंस भी भेजे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज वगैरह की स्टडी मान लो, बायोलॉजिकल स्टडी मान लो, या फिर और भी तरह क्लाइमेट से रिलेटेड वहाँ पे स्टडी वगैरह करने के लिए इंडिया वहाँ पे रिसर्च वगैरह वो कर रहा था। तो बेसिकली अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर अपनी स्टडी को फोकस करने के लिए NCAOR है वो बनाया गया था। बट अभी बात क्या है वो भी हम देखेंगे, तो कंटेक्स्ट उसके साथ एक न्यूज और देख लेते हैं कि देखो अंटार्कटिका के ऊपर इंडिया ने काफ़ी सारे मिशन भेजे हैं, जैसे कि 1983 में भेजा था दक्षिण गंगोत्री, जो कि इंडिया का अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहला मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें उसके बाद सेकेंड मिशन था इंडिया का, वो था 1990 में जो था मैत्री, और उसके बाद 2015 में भेजा गया था वो था भारतीय मिशन। तो ये ध्यान रखना है इंडिया ने अंटार्कटिका महाद्वीप पे तीन मिशन भेजे हैं, कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री है, फिर मैत्री है, फिर भारतीय। सिक्वेंस भी आपको ध्यान है वो रखनी है। तो अब इससे देखो क्या हुआ, ये जो बॉडी थी ना NCAOR पुराने वाली बॉडी, ये केवल और केवल अंटार्कटिक महाद्वीप पे फोकस कर रही थी। और अभी बात ऐसी है, आपको पता है कि आज के टाइम पे जो आर्कटिक सर्किल है, जो ऊपर का आर्कटिक पोल है, जिसको आप बोल सकते हो नॉर्थ पोल है, उसकी स्टडी भी काफ़ी अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल हैं, रिसोर्सेज वगैरह मिलते हुए जा रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं कि देखो वहाँ पे जो आर्कटिक सर्किल है उसकी बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है, तो बर्फ़ पिघल रही है तो उसके नीचे क्या क्या है वो खोजबीन वगैरह से हमें पता चल रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे नए रिसोर्सेज वगैरह मिलने की उम्मीद है, और इसीलिए वहाँ पे जो कंट्री है वो नई रिसर्च वगैरह कर रही है दबा के। इसलिए इंडिया चाहता है कि भाई क्यों ना हम भी वहाँ पे रिसर्च वगैरह करें, हम भी वहाँ पे स्टडी वगैरह करें। तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर इंडिया भी स्टडी करना चाहता है, क्लाइमेट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल और भी तरह की जो स्टडी वगैरह रिसर्च वगैरह होगी उनके लिए। इसलिए इंडिया चाहता है कि यार हम इसके लिए अलग से बॉडी बनाएंगे, तो बेटर ये कि जो अंटार्कटिका वाली बॉडी है ना इसी का नाम हम चेंज कर देते हैं और दोनों साइड इसी से कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंटार्कटिक का नाम कर दिया पोलर, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों हो गए। तो नॉर्थ पोल का मतलब हो गया आर्कटिक सर्किल हो गया, साउथ पोल में आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, तो मतलब एक ही बॉडी से दोनों एरिया की रिसर्च वगैरह वो हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है कि NCAOR है, उसका नाम कर दिया उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे स्टडी है वो यहाँ पे की जा सकेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्टडी फोकस करने के लिए इंडिया ने ये बेसिकली इसका नाम है वो चेंज है वो किया है। अब बात करें इस बॉडी की, तो ये आती है बेसिकली अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान वो रखनी है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो भी पूछा था, क्वेश्चन ने था वो था बेसिकली इंड आर्क के बारे में कि INDARC क्या है रिसेंट। तो इसके बारे में देखो आपको बता दूं, ये इंडिया की एक ऑब्जर्वेटरी है, वाटर ऑब्जर्वेटरी, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी आप से बोल सकते हो, जो कि थी आर्कटिक सर्किल पे। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की पहली आर्कटिक सर्किल पे जो ऑब्जर्वेटरी थी या रिसर्च थी वो थी इंड आर्क, INDARC। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थी अंटार्कटिका पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, सॉरी आर्कटिक की, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, यूपीएससी से इस पे क्वेश्चन पूछा था। अब बात करें हम आर्कटिक काउंसिल की, तो देखो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्री आते हैं वो भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखो आर्कटिक काउंसिल में बेसिकली जो आर्कटिक सर्किल पास वाली कंट्री है ना वो आती हैं, थोड़ा आपको मैपिंग में दिखा देता हूँ। तो हाई लेवल ये एक इंटरनेशनल बोल सकते हो फॉर्म है, इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है, जो उसका मेन काम ये है कि भाई जो आर्कटिक रीजन वाला एरिया ना उसके ऊपर फोकस ये बेसिकली करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो आप एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, USA भी इसका मेंबर है बेसिकली, कनाडा भी इसका मेंबर है, यहाँ पे UK इसका मेंबर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया है वो इसका मेंबर है, यहाँ पे इसके साथ हम बात करें और कि यहाँ पे फिनलैंड है वो भी है, यहाँ पे नॉर्वे है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ग्रीनलैंड को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। तो ये कंट्रीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि UPSC इन पे क्वेश्चन पूछ सकती है। बेसिकली हम बात करें आर्कटिक सर्किल की, तो उसमें आठ कंट्री आती है, नॉर्वे आती है, स्वीडन आती है, फिनलैंड आती है, रशिया आता है, US आता है, कनाडा आता है, और बात करें तो डेनमार्क भी आता है और आइसलैंड भी आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये कंट्रीज में शामिल है, आठों कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट बस यहाँ पे यही है कि भाई UK वो इसका मेंबर नहीं है, UK इसमें शामिल नहीं है। और बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया है
वो आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्व स्टेट है, मतलब ऑब्जर्व स्टेट इंडिया को मिला हुआ है 2013 में, ये दर्जा मिला था। तो ये फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बात करते हैं तो आर्कटिक सर्किल की, सॉरी आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल है वो एक्चुअली इंडिया इसका ऑब्जर्व स्टेट बना हुआ है 2013 से, ना कि इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए हो जाता है यहाँ पे। अब बात करें हम आर्कटिक काउंसिल के लिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसे बनाया गया था बेसिकली ओटावा डिक्लेरेशन के बाद। ओटावा जो एक जगह है जो कि है कनाडा में, तो कनाडा में एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा हुई थी, इसके बाद इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई ओटावा डिक्लेरेशन है वो आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है, उसको लेके बनाई वगैरह गई थी, तो बस हमारा काम एग्जाम में बन जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जाम में ध्यान रखने हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आई है स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि होम मिनिस्ट्री ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। ये काम क्या करेगा प्रोग्राम वो हम देखते हैं। देखो ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक तरीके से एक ब्रिज का काम करेगा पुलिस और कम्युनिटी के बीच में। देखो कई बार क्या है कि कम्युनिटी या जो समुदाय के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर पुलिस का थोड़ा भय रहता है, तो पुलिस को सही सारी चीज़ें वो नहीं बताते हैं कि उन्हें लगता है कि यार पुलिस वाले लोग हैं वो हमें परेशान करेंगे, मिसयूज़ वगैरह करेंगे। तो इसलिए वो कई बार जो न्यूज़ होते हैं वो ढंग से नहीं बताते हैं। मतलब पुलिस क्या है कि कम्युनिटी से ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाती है, और कम्युनिटी है इसको और पुलिस से कनेक्ट करने के लिए एक लिंक चाहिए, और वो काम करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट यूथ है जो। तो क्या क्या इसमें ये जा रहा है कि आठवीं और नौवीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर एथिकल और जो अदर वैल्यूज हैं अच्छी वैल्यूज, वो उनके अंदर पुट की जाएंगी स्कूल के अंदर एजुकेशन की हेल्प से। और उसके बाद होगा क्या, उन वैल्यूज की हेल्प से जो पुलिस होगी और जो कम्युनिटी होगी, उन दोनों के बीच में लिंक बनाया जाएगा, ताकि कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके पुलिस के द्वारा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या यहाँ पे स्टेप हैं वो उठाए जा रहे हैं। मतलब होम मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम इसलिए चलाया है, ध्यान रखना, कि पुलिस और जो कम्युनिटी है ना उसके बीच में जो गैप भरा हुआ है हमारी सोसाइटी में, उस गैप को फुलफिल किया जा सके। क्योंकि जब तक ये गैप है ये फुलफिल नहीं होगा ना, तब तक हमारी सोसाइटी है वो पुलिस से ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और जो भी हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको पुलिस दूर नहीं कर पाएगी। इसलिए जो गैप बना हुआ है इस गैप को दूर यहाँ पे किया जाएगा स्कूल स्टूडेंट की हेल्प से। तो देखो स्टार्टिंग में तो ये फोकस किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, चाहे शहरी स्कूल हो चाहे रूरल एरिया के स्कूल हो, उन दोनों स्कूल पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा, उनके लिए इसमें उनको यहाँ पे ज़्यादा फोकस ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल को भी इसमें इंक्लूड है वो किया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा सिलेबस वगैरह नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, उसके तहत उनको एथिकल वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ और भी जैसे उनको वही चीज़ें सिखानी वगैरह है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह है, वो वहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना कि होम मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है जो कि बेसिकली आठवीं और नौवीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल केस की हेल्प से क्या करेगा, मतलब पुलिस और कम्युनिटी के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि एक तरीके से वो अच्छा समन्वय वो स्थापित कर सकें। ये बेसिकली इनके द्वारा काम है वो किया जाना है इस प्रोग्राम में। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है मेघालय युग के बारे में या मेघालय एरा के बारे में। देखो आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी एज हैं, जैसे कि अभी जो बात कर रहे हैं, अभी जो चल रही है वो चल रही है हेमोसेन एरा, सॉरी होम होलोसेन एरा अभी चल रहा है, होलोसेन युग है वो अभी रिसेंटली चल रहा है। तो बात करें मेघालय युग की, इसको अभी नया डिस्कवर किया गया, इसके बारे में स्टडी वगैरह वो की गई है। मेघालय युग है वो इंडिया का जो मेघालय स्टेट है उसके अंदर एक्चुअली इसके साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना इसी के तरह इसका नाम है वो रखा गया है मेघालय एरा। बात की जाए तो मेघालय एरा की, यह है लगभग 4200 साल पुरानी, मतलब 4200 ईयर्स पुरानी ये एरा है, जिसका अनुमान ये लगाया जाता है कि भाई उस दौरान लगभग बहुत लंबा सूखा पड़ा था, लगभग उम्मीद की जाती है कि 200-250 साल तक लगातार सूखा पड़ा था, इस दौरान ये एरा है वो बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि साक्ष्य जो मिले हैं वो मेघालय में केव है, मतलब गुफा है मेघालय में, उस गुफा में इसके साक्ष्य मिले कि भाई वहाँ पे लगभग 200-250 साल तक क्या पड़ा था, सूखा पड़ा है, और उस आधार पे इसका नाम है वो इंडिया का जो स्टेट है मेघालय, उसके आधार पे इसका नाम मेघालय ईरा या मेघालय युगन वो रखा गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा होलोसेन ईरा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आई है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 को लेके। तो क्या है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018, ये हम देख लेते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 है वो बेसिकली किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये एक तो इम्पोर्टेंट होता है कि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन हर साल डायरेक्टली एक आप पूछती ही रहती है। ये क्या गया है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ह्यूमन राइट ग्रुप है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्रुप हो जाता है, मतलब एक ह्यूमन राइट ग्रुप है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, इसके द्वारा ह्यूमन स्लेवरी इंडेक्स 2018 जारी किया जाता है। स्लेवरी का मतलब आप समझ गए कि एक तरह से बंधुआ मजदूरी आप बोल सकते हो कि स्लेवरी के तौर पे काम हो करवाया जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मॉडर्न स्लेवरी, ये देखो आजकल आप बोल सकते हो कि आज के टाइम पे काफ़ी प्रचलन में है, तो इसके आधार पे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो जारी किया जाता है।
तो ग्लोबल मॉडर्न स्लेवरी का मतलब ये है कि देखो बंधुआ मजदूरी करवाए जा रहे हो, कोई लिमिट वगैरह बाउंड करवा दी जा रही हो कि भाई आपको ये काम इस तरीके से करना होगा, मतलब एक तरीके से प्रेशर में काम करवाया जा रहा हो, या फिर से फोर्स मैरिज करवाई जा रही हो, या फिर आप उसको फोर्स लेबर करवाई जा रही हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केस हैं वो करवाए जा रहे हो, डेब्ट में बाउंडेज कर दिया गया हो, ऐसे जो काम है वो आते हैं मॉडर्न स्लेवरी में। मतलब आज के टाइम पे जो आज की टेक्निक है उनका यूज़ करते हुए जो स्लेवरी करवाई जाती है, जो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है एक तरीके की, उसको कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी। तो बात की जाए मॉडर्न स्लेवरी, तो इसमें ये डाटा गया है इस इंडेक्स में कि भाई पूरे वर्ल्ड में 60% मॉडर्न स्लेवरी है वो आज भी प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया सबसे टॉप पे रहा है। नॉर्थ कोरिया की जो रैंकिंग है वो रही है 1000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट है, वो काउंट है वो की जाती है, तो नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग रही है 104.6, मतलब नॉर्थ कोरिया को इतना स्कोर मिला है। ये आपको ध्यान तो नहीं रखना, बस पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया की हालत स्लेवरी में ज़्यादा खराब है। और बात करें जापान की हालत, तो उसकी सबसे ठीक है, वहाँ पे देखा गया तो उसका स्कोर मिला 0.3 ओनली 1000 में देखा गया तो। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी मॉडर्न स्लेवरी कम नहीं है। इंडिया हुआ, चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग, यहाँ पे भी मॉडर्न स्लेवरी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स मैरिज हुआ, डेब्ट बॉन्डेज हुई, या फिर लेबर फोर्स का आप बता सकते हो कि फोर्सफुली एक तरीके से उनसे काम करवाया जा रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इनके आधार पर ये इंडेक्स को जारी किया जाता है, और यही पैरामीटर इंडिया में ठीक नहीं है। तो ये न्यूज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।